इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। फलदार वृक्ष लगाकर किसान अपनी आय को बढ़ाने के साथ साथ रोजगार भी पा सकते हैं। ये बातें मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा डॉक्टर संजय सिंह ने निसुरा ग्राम सभा में फलदार वृक्ष वितरण कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से प्रकृति को नुकसान हो रहा है। इसका बचाव समय रहते नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अमेठी को फलदार अमेठी बनाने के लिए 1,25,000 फलदार वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर इंदु कुमार पाठक कृषि वैज्ञानिक ने कहा कि फलदार वृक्ष नींबू, अमरूद, शरीफ आज के वृक्ष कम लागत व कम समय में किसान तैयार कर काफी हद तक अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। वहीं गांव जा जाकर फलदार वृक्ष वितरण कर लोगों को जागरूक करने का संकल्प भी लिया गया। अमेठी से संजय कुमार यादव की रिपोर्ट। हमारे कार्यालय की तरफ से आपको बहुत बड़ी शुभेच्छा है। और आप क्या महसूस कर रहे हैं 3 साल की छुट्टी? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, लोगों का सहयोग समर्थन बहुत बढ़िया मिल रहा है और क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद है। बहुत अच्छे ढंग से अस्पताल चल रहा है। उनका सोशल नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में सोशल नेटवर्क अस्पताल जब से शुरू हुआ है बहुत ज़्यादा बढ़ा है और हम समझते हैं कि तहसील क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा गाँव होगा जहाँ के लोगों से संबंध न हुआ हो। पहले से संबंधित लोग थे और अस्पताल खुलने के बाद उन संबंधों में बहुत ज़्यादा ही बढ़ोतरी हुई है। ये सबका प्यार और स्नेह मिल रहा है। हमारे अस्पताल में जो है फ्री कैंप लगाते हैं, फ्री कैंप यहाँ लगता है, लीवर की जाँच के लिए होता है और तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती है। मणियाओं क्षेत्र एवं नगरवासियों को क्या आप संदेश देंगे? हाँ, देंगे कि स्वच्छता सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्वच्छता का पालन लोग करें और जिससे किसी भी प्रकार का संक्रामक रोग फैलने की क्षमता न रहे। सबसे बड़ी चीज़ है स्वच्छता। ये जो डेंगू फैल रहा है इसके बारे में कुछ बताइए। वो भी स्वच्छता से ही संबंधित है और नगर पंचायत को चाहिए कि समय समय पर खादी मक्की कराते रहें, मच्छर न फैलने पाएँ और तमाम सावधानियां लोग भी बरतें हैं जो बताया जाता है। तमाम सावधानियां लोग बरतें हैं और जितना मच्छर से बचेंगे उतना ही अच्छा होगा। राजकुमार लाइफलाइन हॉस्पिटल आपके हिसाब से होने का आप क्या बधाई देना चाहते? देखें, बधाई तो ये दो हमारे जो बड़े ये एक तरीके से कह लीजिए कि हर क्षेत्र में निपुण हमारे दो डॉक्टर डॉक्टर आलोक सिंह और आनंद सिंह जी जो है चला रहे और एक उच्च कोटि का प्रबंधन भोले सिंह जी ले रहे हैं। इसको कहना अगर सच कहूँ बिना किसी हिस्सेदार कहूँ तो 3 साल पहले तक मड़ियाहूँ क्षेत्र में एक ऐसा वैकुंठ था कि इमरजेंसी अगर कोई होती है तो कहाँ जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रश्न था मड़ियाहूँ की जनता के लिए। इन लोगों के आने से, लाइफलाइन के आने से कम ये समस्या दूर हो गई है कि आकस्मिक अगर कोई बात होती है हम अटेंड कर सकते हैं। मैं 3 वर्ष पूरा होने पर डॉक्टर को और इस हॉस्पिटल के प्रबंधन को बधाई देना चाहता हूँ। इनकी यशस्विता इसी तरीके से उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। धन्यवाद। पाठक जी, आपने कोई संकल्प लिया है, किस प्रकार का संकल्प है और यह कैसे आप संकल्प पूरा करेंगे? दरअसल मेरे बहुत दिन से एक, चूँकि मैं कृषि वैज्ञानिक हूँ तो मन में एक चीज़ कचोटती थी कि अमेठी के लिए क्या किया जाए। और फिर चारों तरफ भ्रमण करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि अमेठी में अगर जैसे धान गेहूँ की खेती होती है, धान गेहूँ में आज के समय में उतना नहीं पैदावार होती जितना लागत लग रही है। हमने 3 साल पहले, हमारे रमेश पांडे जी हैं उनके यहाँ हमने 1100 वृक्ष थाई अमरूद के लगवाए और आज तीसरे साल वो 3.5 लाख का उनका इस साल जो है वो ऑक्शन हुआ है 3 साल में। अगले साल वो 5+ जाएगा और 7 साल जब होगा तो 2.5 बीघे से 10 लाख की फसल निकलने वाली है। मेरी सोच ये है
कि अमेठी में जिसके पास भी जो भी जमीन है, अगर वो 10 बीघा है तो अगर 2 बीघा लगाता है, वो 2.5 बीघा भी लगाता है, तो साल के उसको 2-4 लाख रुपये जो है फल वृक्षों से आएंगे, जो उनके आय को बढ़ाएगा, उनके स्टेटस को बढ़ाएगा, और जो वहाँ उनके बच्चे आज जो बेरोजगार हैं उनको एक रोजगार की तरफ अग्रसर करेगा। ये सोच ले करके मैंने अभी ये प्रण लिया है कि हम पूरी अमेठी के एक एक गांव जाएंगे और हर गांव में एक वृक्ष लगा करके उस गांव के सभी लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास करेंगे। अभी 6 महीने के मेरे मिशन में कम से कम 25 बगिया हमारे यहाँ लागती हैं मेरे निर्देशन में, जो अभी धान की कटाई के बाद 100+ हो गई हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर यह जागरूकता फैलाई जाएगी तो आने वाले 5 वर्षों में हम अमेठी प्रॉपर अमेठी ज़िले में कम से कम 1 लाख युवकों को रोजगार दे पाएंगे। बहाना रहेगा वृक्ष का, फल वृक्ष का, उसमें फल वृक्षों में जो सरल फल वृक्ष हैं जिनमें कोई परेशानी नहीं है, जिनमें ज़्यादा लागत नहीं है और उत्पादन और आय अच्छी है, उनको पहले शुरुआत करेंगे, उसके बाद फिर हम और हाइब्रिड्स की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहली शुरुआत हमारी ये होगी। तो पूरा उद्देश्य हमारा है कि कैसे फलदार अमेठी बने, पूरे उत्तर प्रदेश में अमेठी फलों के नाम से जानी जाए, और हम अमेठी में जब हम 1 लाख रोजगार दे सकते हैं अगर इस माध्यम से, जो आज हमारे पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, और अभी इस मिशन में युवाओं की सहभागिता 100% पाई जा रही है, उनमें बड़ा जोश है काम करने का, और वही बी किए हुए जो लड़का है उसने ये काम किया, उससे हमको भी प्रेरणा मिली और आगे बढ़ने का हमको भी हिम्मत आई है। सरकार प्रतिवर्ष करोड़ों जो है पौधरोपित कराती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है सुरक्षा संरक्षा के अभाव में जो है खराब हो जाते हैं। ऐसे में जो आप ये पौध रोपण का संकल्प लगा रखे हैं 1.25 लाख का, इनको सुरक्षित कैसे करेंगे, क्या आपका कहा है? इनकी सुरक्षा के लिए यही रहेगा कि हम बहुत बड़े पैमाने पर किसी को लगाने को नहीं कह रहे, जितना वो सुरक्षित रख सकते हैं वहाँ से वो शुरुआत करें, और जब उनको आय प्राप्त होगी तो ऑटोमेटिक वो अपने आप आगे बढ़ाते जाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। और इसमें ये सोच करके हमने महाराज से निवेदन किया था, आप हमारे निवेदन पे यहाँ पधारे हैं और हम सबको आशीर्वाद दिया है, और हमको इन फलदार वृक्षों में कौन कौन से वृक्ष होंगे? अभी हमारा ध्यान जो है वो अमरूद, नींबू, शरीफा, खाली इन 2-3 वृक्षों पे है, चूँकि आम हमारे यहाँ बहुतायत है और उसका हमें वो दाम नहीं मिल पाता है, जबकि इन फलों का दाम हमें ज़्यादा मिल रहा है उसके तुलना में। दूसरे ये वृक्ष हमको 2 साल बाद फल देने लगते हैं, आम का फल के वृक्ष के लिए हमें 5 साल 7 साल 8 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, इसमें आप दूसरे साल से आप बाज़ार में आ सकते हैं, व्यवसायिक आपका जो व्यवसाय जैसा रहेगा, जिससे दूसरे साल आपको लाभ प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। उन्नत किस्म के वृक्ष जो है वो कहाँ से प्राप्त होंगे उसकी जानकारी के लिए अभी हमारे जिन भाइयों ने बताया था, तो गवर्नमेंट के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या जहाँ से गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, जहाँ से हमको गुणवत्ता वाले बीज मिल रहे हैं वो और सस्ते मिल रहे हैं, वहाँ का एड्रेस हम सबको दे देते हैं, जो पूछते हैं वहाँ जा करके वो लोग ले आ रहे हैं। थैंक यू अरविंद और विशेष जो तुम अपन महाराज जी आज यहाँ पर आए हैं, किस प्रकार का कार्यक्रम है और इसे जो है क्या संदेश है? सबसे पहले तो इंदु कुमार पाठक जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने वृक्षारोपण, जो कि प्रकृति की रक्षा के लिए अहम है, बहुत ही अहम है, और आज ही नहीं तब तक अहम रहेगा जब तक प्राकृतिक बैलेंस न हो जाए। दूसरी बात, आज जो वृक्षों का क्षरण हो रहा है, वृक्षों का कमी हो रही है, वो बहुत चिंता की भी बात है, और ऐसे लोग जब इस तरह से सक्रिय होंगे तो इसमें खुशखबरी भी है कि लोग इसके लिए आतुर हैं और इसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने जीवन का प्रमुख समय दे रहे हैं। आज मैं ये चाहता हूं कि आपके माध्यम से भी, इंदु पाठक जी के माध्यम से भी, ये बात हर एक देश के वासी, देश के बच्चे बच्चे के मन में जाना चाहिए कि अगर प्रकृति सुरक्षित होगी तभी मानवता सुरक्षित होगी, ये आवश्यकता सबके मन में घर कर जानी चाहिए। ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे? मैं इंदु पाठक जी के संपर्क में रहूंगा और मैं चाहूंगा कि इसका विस्तार अमेठी में ही न हो बल्कि अमेठी के माध्यम से और भी दूर दूर तक इसका विस्तार हो सके, इसलिए कि अभी ये ऊँट के मुंह में जीरा है, जो आवश्यकता है प्रकृति रक्षा में, उसके लिए 1.25 लाख करोड़, 2 करोड़,
भी पेड़ कम होंगे, ये किसी न किसी तरह से इस कार्यक्रम का विस्तार हो। और ये कार्यक्रम तभी सफल होंगे, तभी कार्यक्रम में हो सकेंगे जब इस देश के हर एक बच्चे को, बुजुर्ग को, नौजवान को इसकी आवश्यकता को महसूस कर ले। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।